और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भरतपुर की, जहां पर नदबई इलाके में पुराने जमीन विवाद के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। विवाद में दोनों पक्ष के करीब 9 लोग घायल हुए हैं। सूचना पर पुलिस की टीम पहुंची है, घायलों को नदबई के अस्पताल लाया गया है। 5 घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों में कई सालों से जमीनी विवाद चल रहा था। दुर्घटना के बाद लोगों ने हाईवे जाम किया है। सूचना पर पहुंची खो नागोरियान पुलिस ने हाईवे से चारू करने के लिए लोगों से समझाइश की, लेकिन लोगों ने बस पर ही पथराव करना शुरू कर दिया। और ललितेश इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। ललितेश, क्या है पूरा मामला? देखिए बिल्कुल मनी, ये नदवई थाना क्षेत्र के गांव पेपरों का मामला है। करीब 15 साल से दो पक्ष हैं, उनमें जमीन को लेकर के विवाद चल रहा है। पहले भी इन लोगों में काफी झड़प हुई है, मारपीट हुई है, और पहले भी पुलिस ने इनसे समझाइश की थी। कल देर रात का मामला है जब दोनों पक्ष आमने सामने हुए थे और खेत जोतने को लेकर के विवाद बढ़ गया। दोनों तरफ से लाठी वाठा जंग हुई, जिसमें करीब 2 महिलाओं सहित 9 लोग घायल हुए हैं। 5 लोग आरबीएम अस्पताल में भर्ती हैं, उनका उपचार किया जा रहा है। चिकित्सक के अनुसार जो इनकी स्थिति है वो खतरे से बाहर है, और बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों ने मारपीट का नदवई थाने में मामला दर्ज करा दिया है, पुलिस जांच में जुटी हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ललितेश तमाम डिटेल्स के लिए।